सिनेमा जगत में शाहरुख खान को यूं ही नहीं बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। शाहरुख ने पठान और जवान की बैक टू बैक सफलता से ये साबित कर दिया कि वो वाकई बी टाउन के बादशाह हैं। फिल्म जवान से पहले शाहरुख की पठान मूवी आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था। शाहरुख की फिल्म पठान ने 49 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 534 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं बीते दिन आई फिल्म जवान ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। जवान की दो दिनों की कमाई की बात करें तो जवान अब तक 110 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। जवान की ताबड़तोड़ कमाई से ऐसा लग रहा है कि ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। वहीं अगर हम साल की दूसरी बड़ी हिट फिल्म गदर 2 की बात करें तो गदर 2 अब तक 511 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। गदर 2 के साथ आई बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 149 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने अभी तक 95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अगर हम इस साल की सारी हिट फिल्मों की तुलना बॉलीवुड के बाजीगर यानी शाहरुख खान की फिल्म जवान से करें तो सारी हिट फिल्मों के कमाई की तुलना में जवान का ग्राफ अभी सबसे ऊपर दिख रहा है, क्योंकि साल की दो सबसे बड़ी हिट पठान और गदर 2 को 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए एक महीने से ऊपर का समय लग गया। वहीं ओ माई गॉड 2 और ड्रीम गर्ल अभी 100 करोड़ के क्लब में ही है। वहीं अगर हम जवान की बात करें तो जवान मात्र दो दिनों में 110 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अगर जवान इसी तरह 15 दिनों तक भी सिनेमा घरों में चली तो सारी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी।